बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम सिंगल लूप हेल्डर बनाएंगे। तो ये मेरे पास एक 15 फीट लंबी रस्सी है जिसको मैंने डबल कर लिया है। तो लेकिन इसकी जो राइट वाली साइड है वो हम लंबी रखेंगे। तो इसको हम 18 इंच लंबा रखेंगे। तो यहाँ से हम 18 इंच छोड़कर नॉट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो इस हेल्टर में 3 नॉट्स का इस्तेमाल किया जाएगा और जो 3 नॉट्स ये लगेंगी सेम एक जैसी होंगी। तो ये देखें एक नॉट लग चुकी है। इसी तरह हम आगे दूसरी नॉट लगाएंगे। तो यहाँ से 5 इंच छोड़कर हम दूसरी नॉट लगाएंगे, वो भी सेम इसी तरह लगेगी जिस तरह हमने पहले लगाई है। तो यहाँ पे ये भोर घड़ी हम डालेंगे। भोर घड़ी हम इसलिए डालते हैं ताकि रस्सी, जब हम जानवर को बांधते हैं ताकि रस्सी ख़राब ना हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भोर घड़ी किस तरह डालनी है। तो इसको हम यहाँ पे डालेंगे। तो अब हम इसके ऊपर लगाते हैं नॉट। तो इस तरह हम दूसरी नॉट लगा लेंगे। तो इसके बाद अब बारी आ जाती है तीसरी नॉट की, जो हमारी लास्ट नॉट होगी जिसके बाद हमारी मोरी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ से हम 5 इंच छोड़कर अब तीसरी नॉट लगाएंगे। वो भी सेम उसी तरह लगेगी जैसे हमने पहले लगाई है। यहाँ से हम सिंगल रस्सी को पकड़ेंगे और इसके अंदर से गुजारेंगे ऐसे। तो इसी तरह हम दूसरी रस्सी को पकड़ेंगे, वो भी इसके अंदर से ऐसे ही गुजारेंगे।
तो इसके बाद हम अब नॉट को कर देते हैं थोड़ा सा टाइट। तो ये तीन नॉट्स मुकम्मल हो चुकी हैं। अगर कोई रस्सी छोटी या बड़ी है तो उसको एडजस्ट किया जा सकता है। तो अभी हमने जो हेल्टर तैयार किया है वो गाय को पहना कर देखेंगे। तो अभी आप ये देख सकते हैं ये कैसा लग रहा है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।